lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been... अच्छा ये यानी कि ये असल दरिया वाली ये मछली है और ये सबसे महंगी है, ये सबसे महंगी और इसका जायका सबसे अच्छा है, ऐसा ही है, सबसे अच्छा है। ठीक हो गया। तो क्या निशानी होती है दरिया वाली मछली की और फार्म वाली मछली में, क्या फर्क होता है आप बता सकते हैं? फार्म वाली मछली। इसकी पहचान कैसे होती है कि असली दरिया वाली कैसी है और दूसरे वाली कौन सी है? फार्म वाली होती है, ये काला जो होता है ना, काला दरिया वाला होता है। ठीक ठीक। और ये सबसे छोटा जो दाना है वो कितने किलो का होता है या कितने का होता है, या सबसे बड़ा कितने किलो का हो सकता है? सबसे बड़ा जो है इधर 15-20 किलो तक आता है। माशाल्लाह जबरदस्त। फिर ठीक है, छोटा दाना किलो सवा किलो। और ये वाली कौन सी है? ये भी गुलफाम है। ये भी गुलफाम है, ठीक है। और इनमें कांटे वाली मछली कौन सी है और बगैर कांटे वाली कौन सी है? ये बगैर कांटे से 100 है। ठीक है, ये कांटे वाला रोहू है। ठीक है, ठीक ठीक सारा, ठीक ठीक। यानी कि सारी दरिया की है और वो फार्म की है बस, ये इधर दरिया वाला पड़ा। ठीक हो गया। ये भी दरिया का गुलफाम है, इसका कलर और ज्यादा है। अच्छा अच्छा। और ये हड्डी वाली है या हड्डी के बगैर है, कांटे वाली? ये हड्डी वाली है। ठीक हो गया, चले गुड हो गया जी। अब देखें जी, ये फ्राई हो रही है अभी मछली जो है ना, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना जायकों में बहुत अच्छे अंदाज में ये फ्राई कर रहे हैं मछली। ठीक है, ये फिश फ्राई हो रही है, ये यहाँ पे आपको फ्राई भी करके देते हैं। अगर आप फ्राई करवाना चाहते हैं तो फ्राई भी करके देंगे मछली। कौन सी है ये? ये मानो चाक ब्रिज। ठीक हो गया, ठीक है। चले जी, ये बहुत अच्छा इनका मैंने देखा जी, स्टॉल बहुत अच्छा है और इनका माल भी बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ना ये फिशेज यहाँ पे आपको मिल सकती हैं। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मैं आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात करूँगा, अल्लाह हाफिज़। बड़ा बहुत बड़ा है। ये मेरे साथ हैं जी जावेद भाई, यहाँ के मछली फ्राई करने वाले और बनाने वाले, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। मैं खुद इनसे ले रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि मैं आप दोस्तों के साथ भी शेयर करता हूँ ये सारा कुछ। हम यहाँ आ जाए थे रास्ते में, ये पॉइंट था, मैं रास्ते में से जा रहा था तो इरादा बना कि जो है ना फ़िश टेस्ट करनी चाहिए, तो इनके पास में आया। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया, बहुत अच्छे अंदाज से बोलते हैं और ये बहुत अच्छा काम को जानते हैं, बहुत अच्छा अंदाज में काम अपना समझते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे भी मुलाकात करूंगा, लेकिन आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप जब भी यहाँ से गुजरें तो इनसे लाजमी एक दफ़ा फिश फ्राई ज़रूर करें, बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह आपसे भी मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।